के सामने ही आपके थ्रू हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, पिछले एक दो महीना हो गया है, लेकिन जो प्रशासन तक जू तक नहीं रेंग रही है, तो हमें लगता है प्रशासन कुछ बड़ा चाहता है। तो हमने सुना है कि कल जहां पे डीसी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रोग्राम भी है, वो भी आ रहे हैं, तो मैं उनका वेलकम करता हूँ इस रोड के ऊपर आरसपुरा में। और ये केंद्र सरकार के जो नितिन गडकरी है, रोड मंत्री हैं, जो उनसे भी हमारी अपील है, कृपा करके आप बड़े बड़े जो सांसद में दावे करते हो, बोलते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतना पैसा लग रहा है रोड और टनल्स के ऊपर, तो उधर से दूसरी तरफ आपने जो सुचेतगढ़ में इतना करोड़ों रुपया जनता की टैक्स से लगाया हुआ है, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, टूरिस्ट कैसे आएगा? अगर मान लीजिए मैं यहाँ सुचेतगढ़ देखने आता हूँ यूपी से, तो वो क्या बोलूँगा, अगर मैं ये रोड देखूँगा तो मेरे से जो मेरे रिश्तेदार हैं या यार दोस्त हैं, वो उनको तो मैं यही बताऊँगा वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे धूल है। ये पिछले एक साल से काम रुका हुआ है, हमने ठेकेदार से भी अपना रिक्वेस्ट की, PWD से भी रिक्वेस्ट की, ठेकेदार से हमने संपर्क किया, उनका यही कहना है कि हमें जहाँ पे पैसे नहीं दे रहे हैं जे, लेकिन केंद्र सरकार बोलती है कि जितना पैसा देश की रोड के ऊपर लग रहा है, मान लो अगर 10 रुपये पूरे देश में लग रहे हैं, तो 10 रुपये ही पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लग रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि ठेकेदार बोलता है कि भैया मैंने 2 करोड़ रुपया इनसे लेना है या जितना भी पैसा लेना है, तो वो बोल रहा है कि मैं अपना अब घर बेच के थोड़ा वहाँ पर लगाना है, मैंने भी अपना परिवार पेट पालना है, बच्चे हैं मेरे भी। तो केंद्र सरकार ये झूठे वादे मत करें प्लीज़, कृपा करके ये रोड की जो हालत है इसको सुधारें, और जो टूरिस्ट आप यहाँ से आ रहे हैं, देखो हम ऐसी हालत है कि रोज़ एक ना एक हादसा होता ही है, जहाँ पे मोटरसाइकिल पे कोई बुज़ुर्ग जाता है, पीछे बैठा होता है वो, और बुज़ुर्ग को क्या पता होता है, लेकिन वो गिर जाता है नीचे। और उधर से दूसरे नंबर पे आप आ गया कि आगे जो धान की कटाई है वो भी शुरू होने वाली है, तो हमारे जो किसान लोग हैं वो अपनी बासमती कैसे ले कर जाएँगे जहाँ पर। और जो टूरिस्ट रही बात जो सुचेतगढ़ के अंदर, ये देखिए अभी आपके सामने है, ये जो पाउडर जो है लग रहा है आपको, जो पाउडर है आपके सामने है, ये जो दीमक जहर है आपके सामने, देखिए इतनी धूल हो रही है, इससे क्या होता है कि सांस की प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों में धूल जाती है, बीमारियां लगने के कारण होते हैं। और उसी के बाद ये दावे कर रहे हैं कि जो सुचेतगढ़ के अंदर इन्होंने करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, उसका क्या फ़ायदा है, तो उससे नुकसान हो रहा है, जो टूरिस्ट आएंगे तो उससे हमें यही है कि हमने काफ़ी प्रोटेस्ट, 2 प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन चाहता है कि एक दिन पूरा सतवारी बंद हो, फिर जाके इनके जूंगे इनको सुनाई देगा। तो हमारी अपील रहेगी, जो बड़े संगठन मंत्री बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी से लीडर हैं, आपने जहाँ पे रोज़ DDC मेंबर भी जाते हैं, BDC भी जाते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं वो एक बार भी, जब से वो 2 साल हो गए हैं बने हुए, वो एक बार भी आरसपुरा में नहीं आए। हाँ आए होंगे अपने पार्टी के तौर पे आए होंगे, लेकिन एक उनका जो प्रोटोकॉल है, सरकारी प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत वो नहीं आए। और पत्थर या मोटरसाइकिल सैकल किसी तक गरीब बंदे जाइए, एवं धक्के खाने जाने जी, रोड बड़ा खराब है जी, और सरकार ने कहने में रोड बनना चाहिए जी, रोड पक्का बनना चाहिए, अब बड़ी परेशानी नहीं, टुटे खप्पे पानी छोड़ी होता, रोड इन्ना खराब है कि हद तो ज्यादा। कदों का ये रोड की बुरी हालत है? ये तकरीबन 5-6 महीने हो गए जी। की डिमांड करना चाहते हो सरकार? अभी कहने ये रोड सरकार जल्दी से जल्दी इस रोड को कंप्लीट करवाए, और आने जाने वाले बंदों को इतनी परेशानी ना हो। रिस्क बहुत है, इतने खड्डे हैं यहाँ पे, देखो कि चलने वाला बंदा कहीं भी जाके गिर सकता है आराम से, मतलब इतनी चोटें आई हैं यहाँ। परसों एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और हमने इतनी दिक्कत आ रही है कि ये है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि सुनवाई नहीं हमारी। क्या डिमांड करते हैं सरकार? हम डिमांड यही गवर्नमेंट से करते हैं कि हमारा ये जल्दी से जल्दी इस रोड को रिपेयर किया जाए, ताकि हम चैन से जा सकें। आधी तो बीमारी इसकी इतनी धूल मिट्टी है यहाँ पे लग रही है, तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ पे थोड़ा निगरानी की किया जाए, और इस पे नज़र का नज़रअंदाज मत करें गवर्नमेंट, और इसको ध्यान में रखें।